आखिरी महीनों में चली आ रही हमीरपुर बस स्टैंड के खोखों को हटाने की प्रक्रिया को कल शाम यानी कि मंगलवार शाम को जिला प्रशासन ने अंजाम दे दिया है। लोक निर्माण विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन ने उन तमाम खोखों को जेसीबी की मदद से हटा दिया जिनके दुकानदार नए कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गए हैं। मंगलवार शाम को जैसे ही दुकानदारों ने बस स्टैंड के पास जेसीबी को देखा तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। महीनों से चली आ रही हमीरपुर बस स्टैंड के खोखों को हटाने की प्रक्रिया मंगलवार शाम को जिला प्रशासन ने अंजाम दिया है। लोक निर्माण विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन ने उन तमाम खोखों को जेसीबी की मदद से हटा दिया जिनके दुकानदार नए कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गए हैं। मंगलवार शाम जैसे ही दुकानदारों ने बस स्टैंड के पास जेसीबी को देखा तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। हालांकि अभी भी कुछ दुकानदार नए कॉम्प्लेक्स में जाने के मूड में नहीं हैं। इसका आवाज उस समय हुआ जब कुछ दुकानदारों ने प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष इसका विरोध जताया। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसे देखते हुए बस स्टैंड के पास जिला प्रशासन ने काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया था। बता दें कि हमीरपुर बस स्टैंड के खोखों का विवाद काफी समय से चला हुआ था। दुकानदारों ने पीछे न जाने का हर हथकंडा अपनाया लेकिन प्रशासन ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उन्हें नए कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले प्रशासन दुकानदारों को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने के लिए मोहलत दे चुका था। तय सीमा समाप्त होने पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए जेसीबी के माध्यम से बस स्टैंड के पास से दुकानों को हटाया। वहीं कुछ स्थानीय दुकानदार मल्होत्रा ने प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने कैमरे के सामने आने पर साफ तौर से मना कर दिया। अवैध खोखों पर की जा रही कार्यवाही मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हमारा जो जितने भी दुकान है हमारा यही इनसे बेनती भी एक लाइन में एक साइड में दुकान बना के दी जाए। बस अड्डा खुला करना है, हम जाते हैं 10 फुट पीछे बनाए। हमारा कोई इनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो प्रशासन को साथ दिया हमने, सब पूरे सहयोग दिया। पर यहाँ अगर इन लोगों ने प्रशासन का भी इसमें दोष है और कुछ जो बंदे जो चहेते थे जिन्होंने हेराफेरियाँ की हैं जिनकी वजह से ये सारा कांड हुआ कि बेईमानियाँ हुई हैं, हेराफेरियाँ हुई हैं, वो उत्तर से वालों को पश्चिम में, पश्चिम वालों को उत्तर में भेज दिया। ऐसे तो पहले वाला कोई तो लोग नहीं कहेगी, जो पहले वाला तो एक दो तीन से 1-2 गिनती होनी चाहिए। 1-2-3-4 जहाँ से नंबरिंग है वहाँ से चलनी चाहिए। ये 100 नंबर से कभी 1-2-3 गिनती होती है, उल्टी गिनती की इन्होंने। जहाँ जहाँ थे या वैसे के वैसे बचाते, हम इसीलिए तैयार हुए थे इनके साथ। प्रशासन को सहयोग ठीक है, सुंदर बनना चाहिए, हम भी मजदूर वासी हैं, हमारा शहर है, प्रशासन के साथ हैं हम। लेकिन प्रशासन ने ये क्या किया, से बैठे हैं कोई गैर कानूनी नहीं बैठे हैं, रसीदे हमारे पास कराई गई, रसीदे कराई गई, हम देते आ रहे हैं तो अवैध कहाँ से हो गए। हमने कई तरह के डॉक्टर किया। हमारा जो है हमारी कोई प्रशासन से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि पहले ही बंदे 30 बंदे अपने आप में एडजस्ट कर लिए। उनको पहले चलो पहले वाले नंबर आता है लेकिन चलते उधर से शुरू होते, यहाँ से नंबरिंग शुरू होती है, 1-2-3 सीरियल नंबर से शुरू होते, उधर वाले बंदे कैसे इधर आ गए। अब हमारी यहाँ दुकान हमारी टिकी के सामने हमारे को उधर भेज रहे हैं। हम तो प्रशासन के साथ हैं, हमें पूरा आश्वासन दिया प्रशासन को मैंने कि मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरा सहयोग देंगे। लेकिन सहयोग देते देते इन लोगों ने बीच में गड़बड़ अलॉटमेंट गलत कर दी। हाँ, अलॉटमेंट के खिलाफ हमने, और ये हमारा स्टे है कि ना हमारे को उठाया जाए जब तक प्रशासन। ये कोई जस्टिस थोड़ी है,